हेलो दोस्तों, इंडिया गेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 16 अप्रैल 2021 से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर जितने भी बनते हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में पोफर्ड ज्ञान लॉन्च किया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नीति आयोग द्वारा किया गया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट बनते जाते हैं उसको मैं बताते चलूँगा। नीति आयोग ने बिल एंड मेलिडा गेट्स फाउंडेशन ऑफ सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज अशोक यूनिवर्सिटी ऑफ साझेदारी में 13 अप्रैल 2021 को पोफर्ड ज्ञान लॉन्च किया है। दोस्तों, यह स्वास्थ्य और पोफर्ड एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार। लॉन्च समारोह को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत और महिला एवं बाल विकास सचिव राम मोहन मिश्रा द्वारा संबोधित किया, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सियाचिन दिवस मनाया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 13 अप्रैल को मनाया गया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। सेना ने मनाया 36वां सियाचिन दिवस, ये ITBP के जवान लोग मनाते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना 13 अप्रैल 2021 को अपना 36वां सियाचिन दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना पाकिस्तान आक्रमण से साल्टोरो रिजलाइन और बिलाफोर्ड ला और अन्य पासों को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। तब से बल विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र पर बेजोड़ बहादुरी, वीरता, साहस और बलिदान की कथा की स्मृति यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बलबीर सिंह का निधन हुआ, वहां कौन था, इन चारों में से कौन थे? दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हॉकी प्लेयर थे या हॉकी के खिलाड़ी थे। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। 1958 में एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य बलबीर सिंह जूनियर का 1 अप्रैल 2021 में निधन हो गया। उन्होंने भारतीय रेलवे टीम में भी स्पेस स्विट्जरलैंड और इटली जैसे यूरोप देशों में खेला है। दोस्तों, 1962 यहाँ आपातकालीन कमीशन अधिकारी के रूप में भी शामिल हुए थे। उन्होंने दिल्ली राष्ट्रीय टूर्नामेंट सर्विलेंस हॉकी टीम भी खेला है, जिसका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डिजिटल गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 12 अप्रैल 2021 को दिल्ली विशेषज्ञों के साथ डिजिटल गोलमेज सम्मेलन किया। यह दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम से कम उपयोगों में तैयार करने के लिए केंद्रित किया गया है। 2 दिवसीय बैठक 12-13 अप्रैल 2021 में आयोजित की गई। इसका विषय 2021 से पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम से कम किए जाने पर उपाय किया जा रहा है, इसके संबंध में ये बैठक या आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अम्बेडकर जयंती मनाया गया, तो कब मनाया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 अप्रैल को मनाया गया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। से आप इमेज में देख सकते हैं, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को माना जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बहुशुद्ध और एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता या पितामह कहा जाता है। इस दिन को भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है या मनाया जाता है। 1956 में उन्होंने भारत में दलित बौद्ध आंदोलन नामक एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का मार्गदर्शन किया, जिन्हें समुदाय 500,000 सदस्यों ने भागीदारी
देखी गई और ली थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट को आप याद रखिए। हाल ही में बैसाखी त्यौहार मनाया गया तो किस दिन मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 13 अप्रैल को मनाया गया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। बैसाखी 13 अप्रैल 2021 को मनाया गया। एक फसल और बसंत त्यौहार बैसाखी, जिसे वैसाखी के रूप से में भी जाना जाता है, हिंदू सर्व वर्ष की शुरुआत और वैशाख के महीने में पहला दिन होता है। सिख के लिए यह दिन आमतौर पर 10वें गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा खालसा समुदाय की नींव रखने के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। ऐसे सिख लोग मनाते हैं दोस्तों इस त्यौहार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। हाल ही में एयर इंडिया अपने कर्मचारियों के लिए करेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिया जाएगा ए, वैक्सीन का टीका, जो कोविड वैक्सीन का टीका है वो उसको एयर इंडिया अपने कर्मचारी को लगाया जाएगा। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया अपने प्राथमिकता के आधार पर 45 वर्ष से या उससे अधिक आयु अपने कर्मचारी के लिए सामूहिक टीका शिविर लगाने का निर्णय लिया है। एयर इंडिया ने 45 वर्ष से अधिक उम्र लगभग 6000 कर्मचारी को लगाया जाएगा। केंद्र सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठानों से 45 वर्ष से अधिक उम्र के अपने कर्मचारियों के लिए कार्यालयों में टीकाकरण शिविर की सुविधा देने की अनुमति है दे दी है दोस्तों। इसे आप इमेज में देख सकते हैं, एयर इंडिया ने अभी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ग्राम उज्ज्वला योजना ने पेशकश की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एलईडी बल्ब। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। सिस्का ने हाल ही में लॉन्च की है ग्राम उजाला योजना, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन टाइप में उज्ज्वला लिख गया है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। उजाला योजना के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की सहायता से कन्वर्ट एनर्जी की को ग्रामीण में 10 मिलियन एलईडी बल्बों की आपूर्ति के लिए एक निविदा जीती है दोस्तों। ग्राम उजाला ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व के सबसे सस्ते अर्थात केवल 10 रुपये में एलईडी बल्ब का पेशकश की गई इस योजना के तहत की गई है। किस योजना के? तो उजाला योजना के तहत, सिस्का एलईडी है योजना के तहत कार्बन क्रेडिट और अर्जित राजस्व 60% एलईडी का योगदान दिया जाएगा। इसे आप इमेज में देख सकते हैं, तो सबसे सस्ता 10 रुपये दिया एलईडी बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने के लिए जरूरी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। एसी में प्रवेश करने के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य। सर्वोच्च न्यायालय में कोविड-19 के लक्षणों के साथ इनके परिसर में प्रवेश करने वाले के लिए परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके पास टेस्ट होगा जिसका निगेटिव रहेगा वहीं इस में अंदर जा सकेगा दोस्तों। कोविड-19 मामलों की अचानक वृद्धि के बीच बढ़ती चिंताओं को मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय में यह निर्णय लिया गया है। 13 अप्रैल 2021 तक देश में 11,10,00,000 से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप भी ट्राई करते रहिए। हाल ही में नया वर्ष किस राज्य में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में मनाया गया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। नया वर्ष के रूप में दोस्तों 14 अप्रैल 2021 को पुनरु या तमिल नव वर्ष में मनाया जाता है। यह त्यौहार तमिल महीने चिथियाई के पहले दिन को मनाया जाता है। यह तमिल कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। इन दिन लोग एक दूसरे को पुर्तु वाज कुलम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हैप्पी न्यू ईयर। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि हिंदू देवता के पवित्र त्रिमूर्ति के भगवान ब्रह्म ने इस दिन ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जो हाल ही में 14 अप्रैल को नए वर्ष के रूप में मनाया है
तमिलनाडु में। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियागढ़।